घोंगेपुर पंचायत में और घोंगेपुर गांव में, और घोंगेपुर का जो मुख्य सड़क है जो है वो पूरा जो है बाढ़ से जो है विलीन हो गया है। पूरा जो है सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये जो कोसी बांध है यहाँ पर जो है लगातार जो यहाँ पर जो लोगों के घरों में जो पानी घुसा है। पानी घुसने के बाद जो लोग जो है आनन फानन में जो है यहाँ पर जो है किसी तरह से तरीके से जो वो शरण लेकर लेने के लिए पहुँचे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो है घोंगेपुर जो गाँव है वो पूरा जो है वो जल मग्न हो गया। पूरा लोगों के घरों में जो है वो पानी घुस गया। आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाए और यहाँ का जो दृश्य दिखाए कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है घोंगेपुर के गांव में जो है वो पूरा कोसी बांध के टूट जाने से जो है लगातार जो है वो पानी का जो प्रकोप है वो लगातार जो वो बढ़ रहा है। बिहार में प्रत्येक साल जो है ये विकराल जो स्थिति आती है, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा अभी तक यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था कराई गई है, यहाँ के जो घोंगेपुर गांव के लोग हैं जिनके घरों में पानी घुसा है, जिनके घरों में पूरा जो सामान बर्बाद हो गया है पूरी दिन, इस स्थिति में सरकार चाहे तो यहाँ पर जो है हर एक व्यवस्था कायम कर देगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे सीधा ग्राउंड जीरो का प्रयास करेंगे। आ जाइए इधर, क्या नाम है? लालन साह। कहाँ घर हुआ? घोंगेपुर महेशी प्रखंड। कब से यहाँ बांध पे है कि आपके घरों में किस टाइम पानी घुसा था? चार दिन से हम लोग बांध पे हैं और कोई देख रेख करने वाला यहाँ नहीं है। रात हम लोग बांध टूट रहा था, बांध के ऊपर से लगभग 2 फीट पानी क्रॉस कर रहा था, फिर भी कोई नहीं यहाँ, ना प्रशासन आया ना कोई नेता आया या कोई भी कुछ नहीं है। जब वोट की जरूरत रहता है तो यहाँ वोट मांगने आ जाता है। और हम लोग के गाँव की स्थिति देखिए क्या है। कितना घरों में पानी अब तक? पूरे गाँव कितना घर होगा? लगभग 300-400 घर है, 300 घर से कम नहीं है। ऐसा ऐसा घर कितना भी गिरा हुआ है देख सकते हैं आप। अभी हम लोग को भी जाने का भी रास्ता नहीं है, जो कहीं जा घर पर जाते खाना उना भी खाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो दुकान में खाते हैं। सरकार के द्वारा कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है? अभी खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। रात में आप लोग कैसे रहते? रात में भूखे रहते हैं हम लोग, लिट्टी उट्टी खा लेते हैं, चूरा उड़ा फाँक लेते हैं, और क्या करेंगे। न जलावन है न कुछ है, सब भीज गया, क्या कर सकते हैं बताइए। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार पिछले 18 वर्षों से है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग गरीब लोग हैं जिनके इस विकराल स्थिति में बाढ़ के स्थिति में जो घरों में पानी घुसा है उसका आपको मैं जीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो नाव होगा हमारे हिसाब से ये प्राइवेट नाव होगा, कोई सरकारी नाव नहीं होगा। देख लीजिए ये महिला है, यहाँ पर गैस सिलेंडर है और जो यहाँ जलाने का जो सामान है वो भी पूरा जो है वो भींग चुका है। लेकिन आखिर करे तो करे क्या, लेकिन सरकार इस समय में कोई भी यहाँ पर जो है व्यवस्था जो समुचित व्यवस्था करवानी चाहिए वो नहीं करवाई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम विपक्ष के नेता है, अगर आप कोई अगर मंत्री विधायक का अगर कोई भी अगर नुकसान हो जाता तो यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले निकल जाते, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग हैं ये बेचारे लाचार है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देख सकते हैं कि अगर इन लोगों का अगर आप कहानी सुनिएगा तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख लीजिए ये छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, तो इधर दिखा दीजिए, देख लीजिए इधर हो जाओ बच्चे, देख लीजिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके जो है अंग पे जो है सही से वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है। ये बच्चे जो है पूरा भूख के प्यासे, इनको पता नहीं है, देख सकते हैं इनको पता नहीं है कि घर में क्या हुआ है, लेकिन इनको इतना पता है कि यहाँ पर जो पानी आया, लेकिन इनको जो ये स्थिति पता नहीं है। ये बच्चे जो है दूध पीने के लिए बिस्किट खाने के लिए पूरा परेशान। भाई बाबू बिस्किट और मिला है? कौन दिया बिस्किट? अम्मी दिए है? कौन दिया बिस्किट? देखिए ये बच्चा बोल रहा है कि बिस्किट मिला है, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं मिला है। यहाँ पे जो और जो लोग हैं वो हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए अभी भी जो है लगातार जो वो जो है कहाँ से आए? कितना बताइए आपके घरों में पानी घुस गया? पानी घुस गया, सब सामान बुरा हो। अभी जो नाव से आए हैं ये प्राइवेट नाव है कि सरकार के द्वारा? नाव है, पूरा घर में पानी घुस गया है, पूरे घर में। सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं किया गया? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। गरीब सब मरते हैं भूख से, सब आदमी को कपड़ा भुज गया। देख लीजिए ये पूरा कपड़ा जो है वो भींगा हुआ है पूरा जो है पानी से, और लेकिन यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा कोई भी जो वो व्यवस्थाएं नहीं किया गया। यहाँ पर जब देख सकते हैं कि कितना फीट जो है लगातार जो है पानी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। हम जो है अगर कोई आदमी अगर सही हो तो हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा उधर जाएंगे, कोई है नाव वाले? आ जाइए तो, आ जाइए तो नाव वाले।
कोई एक्सपर्ट ना बोला, ये थोड़ा हम उधर से गोरखपुर का गांव का वीडियो पुश कर दो। देखिए यहाँ पर जो है ये गोरखपुर गांव का जो ये मुख्य सड़क है, जो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो काफी बेहद ही नाजुक है, स्थिति है बदहाल स्थिति है। ये बाढ़ का जो तबाही है वो बिहार में लोगों को प्रत्येक साल जो वो सता रही है, लेकिन सरकार जो है कोई भी जो है वो समुचित व्यवस्था लोगों को नहीं कराई जा रही है। अगर यहाँ पर जो है जो देख सकते हैं यहाँ जो रोड का जो ऊंचाई है वो काफ़ी है, नीचे यहाँ पर एक छोटा सा पुलिया भी था, वो पुलिया भी जो है पूरा जो है वो नदी में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं, आपको जो है हम उधर चलिए और आपको पूरा बांध का जो है पूरा आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि आपको जो है पूरा जो गोंगेपुर गांव के जो लोग हैं वो जो है गांव से जो है उठकर जो है यहाँ पर जो किसी तरीके से जो है बांध पर जो है अपना शरण लेकर लेने के लिए पहुँचे। लेकर लगभग कई ऐसे सारे जो गांव है काफ़ी लंबा ये सड़क है और लोग जो है ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम लोगों से भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अभी सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएँ की गई है। देख लीजिए एक चाची आ रही है, इधर आइए चाची, क्या नाम है चाची? सुनीता। सरकार के द्वारा कोई मदद किया गया है? नहीं। कहाँ घर हुआ? ये गोगेपुर। गोगेपुर पूरा पानी में विलय हो गया आप लोगों का घर? देखे छे कि नहीं घर पर बाटे पानी बहे छे। रात में कैसे रहते हैं? खाना उना सरकार के द्वारा मिल रहा है? हाँ। मिल रहा है? इधर आइए, इधर आइए चाची, इधर आइए। क्या नाम है? राम दुलारी देवी। कहाँ घर हुआ? गोगेपुर। आपके घर में पूरा पानी घुस गया है? देखते हैं पूरा पानी घुस ले जाए लगा छे गेहूं मकई। सरकार के द्वारा कोई मदद किया गया? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं किया गया। कोनो मदद क्या कहिएगा सरकार को? वोट के टाइम में तो आप लोग कहते हैं कि हम आपके विकट स्थिति में साथ रहेंगे। हां तब तो हमरा दिया तो हमरा दिया हमरा दिया तो हमरा दिया हां अखन हम यहां डूमा छे तो कहां करे छे पब्लिक अथी अथी। तो बताइए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहाँ घर हुआ आपका भाई? हमारा मुबारकपुर, यही गोंगेपुर हमारा घर हुआ है। गोंगेपुर है। हम लोग रात से जो है मुसलसल NDRF टीम का जो नंबर है उससे हम मुसलसल संपर्क कर रहे हैं, उनसे करते हैं तो वो दूसरा नंबर बताते हैं, फिर उनसे करते हैं तो वो दूसरा नंबर बताते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे माँ बाप जो है, हमारे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर के छतों के ऊपर पनाह लिए हुए हैं। अब तक ट्विटर हैंडल पे जो है हमने ट्वीट किया है और जो सरकार है CM नीतीश कुमार उसको हमने टेक किया है और जितने भी है सबको हमने टेक किया, लेकिन तो क्या कहें, बस कोई सुनवाई है ही नहीं। हम तो मुसलसल ट्विटर के ज़रिए से, यानी जितने भी वो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसके माध्यम से जो है हम जो है आवाज़ जो है पहुँचा रहे हैं, लेकिन कोई अब तक कोई सुनवाई नहीं। सुनने में आया है कि ये पशवीरा में जो है NDRF की टीम आई हुई है, लेकिन वहाँ हम लोग जब गए हैं जो हमारे भाई वगैरह वहाँ गए उनको कहने के लिए, तो वो कह रहे कि अभी नहीं, अभी वो नाव वगैरह सेटिंग करके सोए हुए हैं और इधर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं वो, और यहाँ पर देख रहे हैं कि नाव का कोई मतलब यहाँ से साधन है ही नहीं। हम लोग तकरीबन सुबह से आके यहाँ से सहरसा से हॉस्पिटल से आके यहाँ बैठे हुए हैं कि घर जाएंगे देखने के लिए भाई बहन को, लेकिन कोई सुविधा नहीं यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है NDRF की जो टीम है वो उसको से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वो भी जो है यहाँ पर जो है अभी तक जो है वो नहीं पहुँच पाई है।